भवन का नाम खूब आता है। आजकल लोगों ने वो को भवन बनाना बंद कर दिया। वास्तु वाले लोग सब बताते हैं कि यहाँ विश्राम गृह बनाना, यहाँ भोजन, यहाँ बैठक, यहाँ अतिथि का। अब वास्तु वालों को एक कोप भवन और बनाना चाहिए, एक कमरा ऐसा बनाना चाहिए जिसमें कोई नाराज हो तो उसमें चला जाए। आश्रमों में भी एक कोप भवन बनना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जब नाराज होता है ना तो उसके वो रोष के परमाणु पूरे वातावरण में व्याप्त होते हैं, उससे बहुत हानि होती है। एक कमरा ऐसा रहे कि जिसमें वो तमोगुण रोष सब उधर ही रहे, सब जगह उसका संक्रमण न फैले, ये अच्छा है। और पता भी चले कि कोई नाराज है तो उसका समाधान होगा, भाई कहाँ है अमुक व्यक्ति, कहाँ है रामचेतन दास, बोले वो तो कोप भवन में है। तब फिर पता लगाना पड़ेगा कोप भवन में क्यों है, क्या कारण है भाई कोप भवन में क्यों चले गए। और अब पता ही नहीं चलता कि किस कोई नाराज है कि नहीं है, वो सब रहते ही कोप भवन में। देखो इससे बड़ी हानि है, हंसाने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, बहुत हानि है। मनुष्य को सदा प्रसन्न रहना चाहिए, कभी कोई मन के प्रतिकूल कोई बात हो जाए तो उसको मन में रखना नहीं, तत्काल उसको बाहर निकाल देना चाहिए। मन में रखे रहोगे तो भगवत चिंतन प्रभावित होगा, भजन साधन प्रभावित होगा, चित्त की शांति प्रभावित होगी। जो वस्तु हमें भगवान से विमुख करे उसको अपने निकट क्यों रखना है, उसका त्याग कर देना, मलबूत्र के समान त्याग कर देना।